स्वर्गीय रूपन राजवाड़े के यहां तीन संतान हुए। पहला पुत्री के रूप में टेकमन राजवाड़े, दूसरा पुत्र के रूप में राजू राजवाड़े, तीसरे संतान के रूप में ठाकुर राजवाड़े आए, जिनकी धर्म पत्नी जो है लक्ष्मी राजवाड़े। नमस्कार, मैं कुमार जितेंद्र भारत सम्मान में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम मौजूद हैं भड़गांव विधानसभा क्षेत्र। जी हाँ, यही भड़गांव विधानसभा क्षेत्र जहां से पिछले दो पंचवर्षीय से कांग्रेस यहां राज करते आ रही थी। वर्तमान विधायक श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने, उन्होंने भारी मतों से मात दी है और विधायक बन करके उभरी हैं। और जैसे ही विधायक बनी है, राज्य सरकार ने उन्हें मंत्री पद से भी मनोनीत कर दिया है। विभाग हालांकि अभी नहीं मिले हैं, कुछ दिन पश्चात जो है विभाग का आवंटन भी हो जाएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक मुख्यमंत्री दो उप मुख्यमंत्री के साथ साथ कुल नौ मंत्रियों ने शपथ ग्रहण कर लिया है और उन्हीं के हम घर आए हुए हैं। दरअसल जानेंगे कि क्या उत्साह और क्या यहां पर चल रहा है। सबसे पहले भारत सम्मान की ओर से आपको बधाई एवं शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो महिला शक्ति जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और ये महिला मोर्चा की जो महिलाएं हैं, जो महिला शक्ति को प्रदर्शित करते हुए इस नौ लोगों के मंत्रिमंडल में ऐसी महिला है, कैसा लग रहा है अभी आपको? जी, बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मुझे से छोटे कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है और लगातार लोगों का आना जाना भी चल रहा है, तो काफी लोग उत्साहित भी हैं। जी, तो शीर्ष नेताओं से कुछ चर्चा हुई कि आपको मतलब कौन सा विभाग दिया जाएगा? नहीं, अभी तक ऐसी बातें नहीं हुई है। हो सकता है कुछ दिन बाद विभाग बांट दिया जाए। कभी सोचे थे कि आप विधायक भी बनेंगे? अभी तो आप विधायक के बाद जो है ऊपर वाला सीढ़ी में है, मतलब मंत्री हैं। जी जी, बिल्कुल नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो छोटे से कार्यकर्ता को इतने ऊपर तक पहुंचाती है। मैंने छोटे छोटे चुनाव लड़ा, जैसे जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, और मैं भड़गांव विधानसभा ही नहीं कहूंगी, पूरे जितने भी विधानसभा है, 90 विधानसभा, किसी को अपेक्षा नहीं रहती है, सब प्रयास सभी करते हैं कि शायद मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा। थोड़ी सी लाइन में मैं भी थी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे मौका दिया और मौका देने के बाद जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और जनता का आशीर्वाद के बाद फिर मुझे हमारे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी ने अपने मंत्रिमंडल में पूरे छत्तीसगढ़ का कार्यभार संभालने के लिए एक अवसर प्राप्त किया है। ये जो सौभाग्य वाली बात बोले तो सरगुजा के लिए भी सौभाग्य की बात है कि सरगुजा में तीन मंत्री के साथ साथ एक मुख्यमंत्री, मतलब कितनी बड़ी बात है ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे सरगुजा संभाग में वैसे 14 की 14 सीट पूरे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए थे, पूरे 14 सीट में कमल का फूल खिला था। तो हमारे मुख्यमंत्री भी सरगुजा संभाग से भी आते हैं और तीन मंत्री भी सरगुजा संभाग से बन रहे हैं, मतलब चार, मतलब सरगुजा संभाग के लिए बहुत ही खुशी की बात है। खुशी की बात है और सौभाग्य की बात जो आपने जोड़ी थी वो भी है। छत्तीसगढ़ की जनता जो है जानना चाहती है कि जो है आप जिस तरह से वहां राजधानी में गए और उस भीड़ में जो है एक विधायक जो है महिला विधायक देखने को मिला और अचानक से इतना बड़ा मंत्री पद का शपथ भी लिया गया, परिवार में क्या ऐसी बातें हुई या फिर आपके पति से? जी देखिए, विधायक बनने के बाद विधानसभा में बैठक हुआ, लोगों का लगातार आना जाना भी हुआ और साथ में जैसे ही सत्र खत्म हुआ, अपना तीन दिवसीय सत्र था, जैसे ही सत्र खत्म हुआ शाम को फोन आता है मुख्यमंत्री जी का कि आपको कल शपथ ग्रहण में आना है। उसके बाद जो लोगों में उत्साह दिखा, लगातार फोन आना, बधाई देना, मतलब जो विश्वास नहीं था वो विश्वास हमारे सीएम जी मुझे दायित्व दे के अपने टीम में शामिल किए। जी, ये जो लगातार इस बात को हमेशा देखा गया है, एक बात जेहन में आपको डालनी पड़ेगी
कि जैसे ही विधायक तक तो ठीक है, वो क्षेत्र में घूमते रहते हैं, क्षेत्र की समस्याओं को ठीक है, अभी आपका प्रदेश का दायित्व है, कहीं आपकी दूरियां तो नहीं बढ़ जाएंगी और यहाँ इस तरह के बातें तो नहीं उत्पन्न होंगी ना? जी देखिए, जैसे ही विधायक बनी तो अपने एक पहले से ही टारगेट था कि जिस तरह से 3 महीने पहले टिकट फाइनल किए थे तो सोच के रखे थे कि अगर हम जीत के आते हैं तो जिस तरह से हम लोगों के बीच में गए थे अपेक्षाओं पे कि बहुत सारी बातें आ रही थी कि जीतने के बाद भूल जाते हैं, लेकिन उनको आश्वस्त किए थे कि नहीं, हम जीतने के बाद जैसे अभी आ रहे हैं वैसे ही चुनाव जीतने के बाद भी आएंगे। तो अभी थोड़ा दायित्व तो बड़ा है, जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं, लेकिन अपना प्रयास रहेगा कि जगह जगह हम पहुंचे। जी, जब आप चुनाव प्रचार में निकली थी तो बहुत सारी समस्याएं आपको देखने सुनने को मिली और कई शिकायत पत्र भी आपके हाथ में मैंने देखा था, तो क्या उसके निराकरण के लिए आपने अभी से मतलब कोई प्रयास किया? जी देखिए, शपथ लेने के बाद विधायक का, उसके बाद विधायक का शपथ लेने के बाद आना हुआ था 2-3 दिन के लिए, तो लोगों का लगातार आना हुआ, तो उस विषय पे तो अपन चर्चा नहीं कर पाए, लेकिन फिर उसके बाद फिर चले गए, फिर बुलावा आ गया, तो निश्चित ही अब फिर से जब विभाग बढ़ जाएंगे तो हम आके फिर विचार करेंगे किस तरह से लोगों की अपेक्षाओं पे खरे उतरना है, काम करना है, उस पर चर्चा करेंगे। एक बात, भारत सम्मान पिछले बार ही आपको हिदायत के रूप में दिया था कि कहीं विधायक बनने के बाद जो है आप वादा खिलाफी किए जनता से, तो जनता सब जानती है, जनता आपको जो है छोड़ेगी नहीं, तो इस बार कितना इत्तेफाक रखते हैं? और भारत सम्मान जो है पिछले मर्तबा जो है आपसे जब इंटरव्यू लिया था तो उस समय आपको कैसा महसूस हो रहा था, ये जनता को बताएंगे? जी अपेक्षाएं बहुत रहती है लोगों की, और सब जनता कहते हैं कि हमारे बीच में वो बनी रहे, निश्चित तौर पे जनता जो आशीर्वाद दे रहती है, बहुत सारे अपेक्षाएं रहते हैं, बहुत सारे ऐसे बातें रहते हैं जो उनको लगता है कि हम करके दिखाएं, लेकिन निश्चित ही अब विधायक के बाद मंत्रिमंडल का, तो उनके अपेक्षाओं पे खरे उतरूंगी मैं। जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इनके द्वारा जो है अभी भी जो है अस्वस्थ किया जा रहा है क्षेत्रवासियों को, अब तो इनका दायरा बढ़ गया है, अब प्रदेश वासियों को ये अस्वस्थ कर रही हैं कि हम जो है अपने वादे पर जो है खरे उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो है इनके साथी महिलाएं जो है काफी चुनाव में मशक्कत की है, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? मैं नेहा तिवारी, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष भैया थान से। जी जी जी, तो कैसा रहा ये चुनावी जो समीकरण आप लोगों ने महिला शक्ति दिखाया भाई पूरे छत्तीसगढ़ में, तो कैसा रहा? देखिए, हम लोगों ने लगातार चुनाव में लोगों के बीच में गए, फिर में मेहनत भी किया, और जिस हिसाब से हम लोगों ने मेहनत किया, हमारी लक्ष्मी जी ने मेहनत किया, जनता ने उतना ही प्यार, उतना ही आशीर्वाद लक्ष्मी जी के ऊपर में, तो जनता को धन्यवाद तो बनता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से सबका धन्यवाद, और हम सब भी प्रयास करेंगे लोगों के बीच में जो हम लोगों ने वादाएं की, जो बातें हुई, वो हम लोग पूरा करने का प्रयास पूरा। तो ये प्रचार तक तो सीमित नहीं रह जाएगा ना, मतलब जन जन तक योजना पहुंचेगी? जी नहीं, हमें तो नहीं लगता कि हमारी मंत्री जी ऐसी होंगी करके, और हमें पूरा विश्वास है कि हम लोगों के साथ हमेशा खड़ी रहेंगी और जनता के साथ हमेशा खड़ी रहेंगी। तो एक बार शीर्ष नेतृत्व के लिए क्या शब्द है आपके पास में, और जो है यह छत्तीसगढ़ के साथ साथ जो है पूरा भारत देखना चाहेगा और सुनना चाहेगा आपको? जी, सबसे पहले तो शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि आज शीर्ष नेतृत्व के द्वारा ही मैं आज भड़गांव विधानसभा के विधायक के साथ साथ आज मैं कैबिनेट में मंत्री बनी हूँ। तो हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ऐसे छोटे कार्यकर्ता को मौका दिया जनता की सेवा के लिए। बस उनके उनके विश्वास पे खरे उतरूं, जनता के विश्वास पे खरे उतरूं, यही मैं कहना चाहूंगी कि हमेशा जनता का आशीर्वाद प्रेम बना रहे, उनके अपेक्षाओं पे उनके जो काम रहेंगे वो मैं पूरा कर सकूं। बस देखिए, एक बात जो है छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है कि कभी भी शासन सत्ता चाहे भाजपा की आई हो चाहे कांग्रेस की आई हो, बदलाव का मुख्य कारण मीडिया को माना जाता है कि मीडिया जो है आपको रिप्रेजेंट जैसा करती है वैसा जनता उनको देखती है,
पर मीडिया पर ही क्यों कुठाराघात होता है ऐसी आपकी सरकार में या आपके कार्यकाल में तो नहीं देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल नहीं, 15 साल हमारे बीजेपी की सरकार थी, पिछले बार कांग्रेस की सरकार बनी छत्तीसगढ़ में, तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे वादे किए थे जो पूरे भी नहीं किए, और उनके घोषणा पत्र के अनुसार पूरा नहीं हुआ, और साथ में एक मीडिया का माध्यम भी रहता है, जैसे सरकार की करनी रहती है वैसे भरनी भी रहती है। निश्चित तौर पे पिछले सरकार के द्वारा जो मीडिया कर्मियों के ऊपर जो अन्याय हुआ है वो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं मिलेगा। आशा भी यही करते हैं कि जो है आप मीडिया कर्मियों के लिए भी पहल करें और उनके ऊपर जो झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं उसे भी जो है खारिज करवाने का अपने सरकार से जो है निवेदन आवेदन जरूर करेंगे, और एक बार फिर से जो है पुनः छत्तीसगढ़ की जनता को आप धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। जी मैं छत्तीसगढ़ के जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। इतने व्यस्तम समय में जो है इस सिचुएशन में अपना बहुमूल्य जो है समय इन्होंने दिया, भड़गांव विधानसभा ही नहीं, सरगुजा ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में इन्होंने एक संदेश देने का कोशिश किया है कि महिला शक्ति कभी हार नहीं मानने वाली है, क्यों भाई? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आप कहाँ से हैं? मैं विश्रामपुर से हूँ सर, और महिला मंडल से उपाध्यक्ष हूँ, और मैं अपने सरकार अपने संघर्ष को याद करते हैं। जी करते हैं, बहुत संघर्ष किए हैं, तभी आज हमारी लक्ष्मी आई है। कैसा लग रहा है अभी, मतलब एक विधायक और विधायक से सीधा डायरेक्ट जो है मंत्री? बहुत अच्छा लग रहा हमको, जो मेहनत की है वो रंग लाई। तो अभी सामान्य जैसे पहले मिल पाते थे अभी मिल पा रहे हैं ना? जी अभी भी मिल पा रहे हैं, वही है उनका प्यार, वही है सब कुछ। सिक्योरिटी बढ़ा तो नहीं दिया गया है? नहीं नहीं, सिक्योरिटी नहीं है जी, कुछ भी नहीं है, हमारे लिए वही है। जी, 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 जी। तो इसी तरह के विभाग राजनीतिक समीक्षात्मक खबर जो है हम आप तक लाते रहेंगे, अभी के लिए धन्यवाद। भारत सम्मान, हो जाओ सावधान।